आम सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने सबसे पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर निशाना साधा और करप्शन के मुद्दे पर उन्हें आड़े हाथ लिया। वहीं इस जनसंघर्ष आशीर्वाद से राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया पर धौलपुर में सीएम ने बयान दिया तो सचिन पायलट अब युवाओं और करप्शन के मुद्दे पर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर से जयपुर तक सचिन पायलट की ये जनसंघर्ष यात्रा हो रही है और इस यात्रा में फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हाल ही में पवन खेड़ा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे मजाक कहते हुए टाल दिया। अजमेर में सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस मिट्टी से यहां के लोगों से मेरा एक ऐसा मजबूत रिश्ता है जिसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। सचिन पायलट ने कहा कि जब दो दिन पहले उन्होंने इस यात्रा का ऐलान किया था तब कई लोगों ने उन्हें राय दी कि मई जून का महीना है, 100-100 किलोमीटर पैदल चलना है। इस पर सचिन पायलट ने जवाब दिया कि राजनीति आग का दरिया है, तैर कर पार करना है। अखबारों में कुछ छपे या ना छपे लेकिन जनता सब कुछ जानती है। आने वाला भविष्य युवाओं का है, हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जो करप्शन मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना है। मैंने जयपुर में एक दिन का अनशन कर वसुंधरा राजे सरकार में हुए करप्शन की जांच की मांग की। मुझे राजनीति में 20 से 23 साल हो गए हैं, मंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, पिता भी मंत्री रहे, माँ सांसद रही, विपक्षी भी हमारी सांख पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं अजमेर की जनता से पूछना चाहता हूँ कि हमारा परिवार लंबे समय से राजनीति में है, बड़े पदों पर रहे, एक फूटी कौड़ी का कोई आरोप नहीं लगा सकता और अब ऐसे नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं जिन हेमाराम ने 100 करोड़ की जमीन शिक्षा के लिए खर्च कर दी उन पर 10 करोड़ में बिकने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि जब 2013 में हम सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उस समय 2013 में केवल कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, उसके बाद तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और सरकार बनाने की पूरी कोशिश की और सरकार बनी भी। पिछले 3.5 सालों से मैं लगातार मुख्यमंत्री गहलोत को करप्शन के मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब उन आरोपों की जांच होनी चाहिए जो आपने और हमने 2018 के चुनावों में लगाए थे। मैंने 1.5 साल से चिट्ठियां लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब चुनावों में सिर्फ 7 महीने रहे हैं। अजमेर में सचिन पायलट का बयान, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में हमेशा जनता से संवाद बनाए रखा। अजमेर का आरपीएससी युवाओं के लिए शिक्षा का केंद्र है। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था में परिवर्तन कर एक आधारभूत ढांचा तैयार करना है। अजमेर से सचिन पायलट की यात्रा की शुरुआत हुई, वहां पर तमाम युवा मौजूद थे, हाथों में तिरंगा लेकर के वो इस यात्रा में शामिल हुए और वो जयपुर तक इस यात्रा में शामिल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।